हाय गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी इलेक्ट्रिक एमपी एग्जाम। एंड मैं वैशाली राय सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यह हमारे इलेक्ट्रिक एमपी एग्जाम की टीम है जो एमपीपीएससी व्यापम जैसे एग्जाम की तैयारी करवाती है। आगे बढ़ने से पहले अपने मैं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं बता दूँ कि कल से हमारा एक नया इंग्लिश मीडियम का बैच चालू हो रहा है जो सभी आपकी टॉप फैकल्टी आपके साथ लेंगी। लाइव क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे और वीकली एंड मेगा क्विज आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो अन अकेडमी इंडिया, तो अपने मैं बता दूँ, मेरा नाम वैशाली राय है। मैंने बीबीएन बीपेड किया बीएसएस कॉलेज बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से। मेरे पास 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है और मैंने क्लैट कैट और एमपीपीएससी के स्कूल को पढ़ाया। सीएससी मेन्स लिखा है मैंने 2016-17 में ही। मैंने एमपीपीएससी मेन्स 2017-18 में। एंड अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको 30+ कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यह आपको डेली लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देता है जहाँ आप टीचर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते हो। यह आपको लाइव टेस्ट एंड जहाँ आप अपनी परफॉर्मेंस को डेली मंथली वीकली बेस पर इवेल्युएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो हम सिलेबस की लाइन पे लाते हैं कि आप सभी को हम क्वालिटी कंटेंट दे पाए। एंड अनलिमिटेड एसेस की, कभी आपसे कोई क्लास मिस हो गई है, किसी क्लास को दोबारा देखना है तो आप उसे डाउनलोड करके भी ऑफलाइन मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होता है, छोटा सब्सक्रिप्शन लेना होता है। छोटा सा इसलिए क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो मार्केट प्राइस से काफ़ी कम है। एक साल की कीमत है मात्र 7,000 रुपये, लेकिन वहाँ पर भी आप मेरा कोड लगाते हो जो कि वैशाली VAI चला है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है एंड वो आपको पड़ता है हमारे 6,300 रुपये का। वहीं अगर मैं 24 महीने की बात करूँ तो उसकी कीमत होती है 8,400 रुपये, लेकिन वहाँ पर भी आप मेरा कोड लगाते जो कि वैशाली VAI चला है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है एंड वो पड़ता है आपको हमारे 7,560 रुपये का। एंड बता दो गाइस, नेक्स्ट वीक से हमारे प्राइस हाइक होने वाले हैं, सो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक होने वाले हैं, ठीक है? तो वरना आपको वही चीज़ अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। एक साल ये तो बता दूँ मैं आपको, इसके अलावा मेरी और क्लास चलती है। दोपहर में 1 बजे हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, दोपहर में 3 बजे हम आंसर मेन राइटिंग की कोच क्लासेस करते हैं और रात में 9 बजे हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। हेलो दीपक जी, एंड आप सभी को बता दूँ कि मेरा एक प्लस पे भी एथिक्स का कोर्स चल रहा है जिसका मैंने ऑलरेडी पेपर 1 कंप्लीट करवा दिया है, जो 17 सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था। वहीं बहुत जल्दी मैं आप सभी के लिए पेपर 2 भी लाने वाली हूँ, जल्दी से एनरोल कर लीजिए ताकि आपको आप उस क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो आज मेन्स आंसर राइटिंग का पार्ट 15 स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए थे, ये था कि राइट एनी टू इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किन्हीं दो महत्वपूर्ण प्रावधानों को लिखे, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। जो था मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या, ये 2015 में पूछा गया था। हेलो सत्येंद्र जी, क्या देन बलवंत राय मेहता कमेटी क्या है ये आपको बताना था। फिर टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं के प्रकार आपको बताना था यहाँ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, शहरी सरकार के प्रकार। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। राइट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड न्यू शेड्यूल विच वे एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अर्बन लोकल सेल बॉडीज। हाय शीतल जी, तो भारत में नगर स्थानीय प्रशासन निकायों के लिए संविधान में ये भाग कौन से भाग, ठीक है, और नई सूची जोड़ी गई है तो वो आपको बताना था। उसके बाद का क्वेश्चन था ये 2018 पूछा गया था, अबाउट व्हाट द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज देयर एंड राइट एनी 4 सब्जेक्ट ऑफ द शेड्यूल, ठीक है। सो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस बारे में है, इसके सम्मिलित किन्हीं 4 विषयों में लिखी है, तो 2018 का एक क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया था। तो 6 मार्कर के पाते हैं, डिस्कस 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 12वीं अनुसूची पर चर्चा करें और इनमें किन्हीं विषय हैं, तो ये आपको बताना था। फिर साइलेंट फीचर ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 की विशेषता लिखिए। उसका था इनफेक्टिवनेस ऑफ स्टेट लोकल इंस्टीट्यूशन या लोक राज लोकयुक्त लोकायुक्त संस्थान की अप्रभावित, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैसा एक्ट, पैसा अधिनियम के उद्देश्य लिखिए, ये था। और फिर था हमारा
रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी में आपको बताया था क्या क्या सिफारिशें हैं। उसके बाद नोट ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबिलिटीज, सरकारी संघवाद समस्या और संभावना पर चर्चा करें। द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस कमेंट। यूपीएससी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के सत्तात्मक चरित्र पर सीमित प्रभाव डालना है, चर्चा करें। तो ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया था। हाय विजय जी, अब देखते हैं मैं आंसर्स में क्या क्या लिखना है। तो पहला कहता हमारा कि 73वां संविधान संशोधन क्या होता है, यही पहला क्वेश्चन था ना। तो दो उसके कोई भी दो प्रावधान लिखने थे, तो एक हमने कंपलसरी लिख दिया, एक हमने वॉलंटरी लिख दिया। तो कंपलसरी में कौन कौन से, कि आपको ग्राम सभा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, तो आपको ग्राम सभा का निर्माण करना ही करना होगा। दूसरा होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो हर एक स्तर पे, निचले स्तर पर, तीन स्तरों पे पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना करनी होगी। तो ये एक कंपलसरी कि ये आपको करना ही करना है। फिर इसमें कुछ वॉलेंट्री है, विवेक अधीन है उनके लिए कि वो चाहे तो प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो बैकवर्ड क्लास के लिए चाहे तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रख सकते हैं। और गारंटी फाइनेंशियल पावर टू पंचायत, तो ये भी हमारे 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सरकार के ऊपर निर्धारित करता है कि वो ये शक्ति देती है या नहीं। क्लियर। हाय तेजी, नेक्स्ट पे चलते हैं कि विकेंद्रीकरण का अर्थ, ये हमारा 2015 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज रिफर्ड टू एज फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द टॉप मैनेजमेंट टू द मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो विकेंद्रीकरण किसे कहा जाता है, जब सरकार अपनी शक्तियाँ निचले स्तर को सौंप देती हैं, मतलब उन्हें अधिकार जाता है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं या अथॉरिटी दे देती हैं उन्हें, तब जाके उसे हम विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं, जो मिडिल और लोअर लेवल के लिए यूज़ की जाती है। इसके कुछ फायदे होते हैं कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके लिए बर्डन कम, उनके पास भार कम हो जाता है। फैसिलिटीज डाइवर्सिफिकेशन, तो बहुत सारी डाइवर्स फैसिलिटी होती है जो अलग अलग के हाथ में होती है, तो ज़्यादा अच्छे से वो कार्य कर पाएंगी, और बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन। तो ये कुछ विकेंद्रीकरण और ये कुछ उसके एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। हाय मोहन जी, गुड आफ्टरनून उमेश जी, ठीक है। अब आते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर हुआ था उसका 1957 में की स्थापना हुई थी। इसे किस उद्देश्य किससे स्थापित किया गया था, टू एग्जामिन एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर बेटर वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो आपको पता है बलवंत राय मेहता कोई ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा था और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, दो चीज़ हमारे देश में चल रही थी, तो उसके वो किस तरह से अच्छे से काम कर सकते, कैसे कुशल रूप से काम कर सकती हैं, उसके लिए उन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया था। आई थिंक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को क्लियर है। भारती जी, ये इंग्लिश का लेक्चर है, बेसिकली इंग्लिश में आंसर राइटिंग है, बट मैं आपको हिंदी में बताती जाऊंगी कि क्या क्या लिखना है, आपको समझाती जाऊंगी। तो क्लियर है आपके लिए। अंकुर जी, आपको समझ में आया, एंड भारती जी आपको भी, तो ये है, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लोकल गवर्नमेंट केम टू नोन एज पंचायती राज। तो उनकी फिर ये कहा था कि आप एक काम पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दीजिए, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसकी विकेंद्रीकरण की हमने अभी ऊपर मीनिंग देखी क्या होता है विकेंद्रीकरण, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दीजिए। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बाद जब हमारे स्थानीय प्रशासन या स्थानीय शासन जो जाएगा वो अस्तित्व में आ जाएगा, उसे हम पंचायती राज कहने लगे। अंकुर जी, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूंगी, मैं केवल हिंदी में नहीं बोलूंगी। रिकमेंडेशंस क्या थी इनकी, परामर्श, मतलब इन्हें क्या सिफारिश दी थी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लोकल गवर्नमेंट केम टू बी नोन एज पंचायती राज। क्लियर, ओके। सो क्लियर हुआ बलवंत राय मेहता कमेटी कि ये कब, इसकी स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है इसका, 1957 या 1957। इसका उद्देश्य क्या है, टू एग्जामिन, गुड इवनिंग संस्कार जी एंड गुड आफ्टरनून संध्या जी,
to examine and suggest measures for better working of the community development program and national extension service. तो community development program और national extension services के वो किस तरह से कार्य कर रही हैं, तो ये बताना था कि वो किस तरह से और अच्छे ढंग से कार्य कर सकते हैं। इसलिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी एक सिफारिश थी, उसमें ये कहा गया कि आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बेस पर एक स्थानीय शासन का गठन कीजिए, जिसे हम पंचायती राज नाम से जानते हैं। क्लियर, तो यहाँ से हमारा पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। हेलो नितिन जी, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। अब बात करते हैं यहाँ अगला कि नगर पालिकाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993, बिल्कुल बात ही ती स्तरीय का उन्होंने सुझाव दिया था, लेकिन हमें कम वर्ड्स में लिखना था, हम सब कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, जिसमें संविधान में आया था, उसमें कुछ तरह की नगर पालिकाओं के बारे में कहा गया था। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट। तो किन किन की बात कही थी? नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये तीन तरह की बात इसमें कही थी, और बाकी भी कई तरह की होती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये तीन तरह की थी, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो नगर पंचायत कहाँ आता है? जो एक क्षेत्र होता था फॉर ट्रांजिशनल एरिया, दैट इज एन एरिया ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, कि जो एक ट्रांसफॉर्मिंग कि जिसमें बदलाव आ रहे हैं कोई ऐसे क्षेत्र में जो ग्रामीण से शहरीय हो रहा है, तो बीच का जो फेस होता है जिसमें शायद 20,000 पॉपुलेशन की बात करी गई थी जो रहेगी, तो उसे हम कहते हैं नगर पंचायत, ठीक है। वहीं म्युनिसिपल काउंसिल की बात करूं मैं, ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे जो शहरी क्षेत्र होते हैं ना, जो ग्रामीण से उठ के होते हैं और शहर से कम होते हैं, तो वहाँ हम बनाते हैं नगर पालिका। तो स्मॉल छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पालिकाओं का गठन होता है। और तीसरा आता है हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि हमारे नगर निगम होते हैं, जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, तो ये सब हमारे नगर निगम है। तो बड़े जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनके लिए नगर निगम का गठन किया जाता है। क्लियर, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? फिर बात करते हैं शहरी सरकार के प्रकार। तो हमने देखा जो मेन तीन कही थी वो, उसके अलावा भी कुछ तरह की बॉडीज के बारे में बात की गई थी। तो टोटल हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, जो हमारे शहरी निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, उसमें 6-8 प्रकार के पाई जाती है, ठीक है। तो कौन कौन सी 8 प्रकार के? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैंने आपको बता दें, नगर निगम कहते हैं, म्युनिसिपैलिटीज हमारी होती है, नगर पालिकाएं, और हमारा एक होता है नगर पंचायत। फिर उसमें आता है एक नोटिफाइड एरिया कमेटी, ठीक है, एक आता है टाउन एरिया प्लानिंग, कैंटोनमेंट बोर्ड वहाँ पाया जाता है जहाँ पर हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे हमारा मिलिट्री जो होता है ना, एक कैंटोन मतलब पूरा मिलिट्री कैंट होता है, वहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना होती है। टाउनशिप होती है जो एक छोटे शहर से बड़े शहर के टूवर्ड्स आते हैं, जहाँ पोर्ट का जो एरिया होता है, पोर्ट ट्रस्ट जहाँ होता है, जहाँ पोर्ट का जो एरिया होता है, वहाँ के जो सिविलियंस होते हैं उनके लिए इसका गठन किया जाता है, उसे हम पोर्ट ट्रस्ट बोलते हैं। और एक होता है हमारा स्पेशल पर्पज एजेंसी, जो कि जनरली किसी विशेष कार्य के लिए उसका गठन किया जाता है। तो स्पेशल पर्पज एजेंसी अभी क्या हो गया, हमारी स्मार्ट सिटीज के लिए बनाई जा रही है, स्पेशल पर्पस एजेंसी हमारी स्मार्ट सिटीज के लिए बनाई गई है। तो इस तरह की एजेंसी बनाई जाती है। क्लियर होगी कि यह 8 तरह का पाया जाता है। क्लियर गाइस, कोई डाउट है यहाँ तक बता दीजिए। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके संजय जी, अब बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो
वित्त आयोग है, तो आपको पता होगा वित्त आयोग क्या होते हैं। 1951 में अंडर आर्टिकल 280 इसका फॉर्मेशन हुआ था, मतलब इसका गठन 1951 में हुआ था संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। इसका नेचर कैसा है, ये एक संवैधानिक बॉडी है, मीन्स बाय नेचर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि संविधान में इसका लेख है, तो ये संवैधानिक निकाय है। इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो वित्तीय मतलब केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध का उल्लेख करना या डिफाइन करना कि किस तरह के संबंध वो मेंटेन करेंगे केंद्र और राज्य के बीच में, वो काम होता है वित्तीय आयोग का। आपको पता होगा बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हर 5 साल में एक बार गठन होती है, और फिर ये बताती है कि केंद्र और राज्य के बीच में केंद्र को कितने टैक्सेस का बंटवारा करना चाहिए, किसको कितना ग्रांट देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, इस तरह की चीजें हमारी वित्त आयोग कहती है। क्लियर क्लियर हुआ। फिर बात हुई थी हमारी तो 74वें संविधान संशोधन की, जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है हमारी वो कॉन्स्टिट्यूट जो संवैधानिक है वो संवैधानिक कैसे बनी है। 74वें संविधान सॉरी अर्बन लोकल सेल बॉडी के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रो 74वां संविधान संशोधन जो होता है वो एक्ट ऑफ 1992 के तहत, और भाग इसके लिए एक नया भाग जोड़ा गया था हमारे संविधान में, जिसे हम 9A के नाम से जानते हैं, 9A के नाम से जानते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड आर्टिकल से संविधान का अनुच्छेद 243 P से लेके 243 ZZ तक इसे हम मानते हैं, और इससे जो शेड्यूल है इसके कारण जो एक नया शेड्यूल या अनुसूची ऐड करी गई थी हमारे संविधान में वो थी 12वीं। क्लियर क्लियर हुआ गाइस यहां तक। ठीक है फिर बात करते हैं अगले की 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट। तो 11वीं अनुसूची हमने मैंने क्वेश्चन दिया था 11वीं अनुसूची क्या है संविधान की, तो ये पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत की, मतलब जैसे 12वीं में हमारी लोकल गवर्नमेंट की मतलब अर्बन जो शहरी निकाय सहकारी निकाय स्थानीय उनके बारे में कहा गया, वहीं जो हमारा 11वां शेड्यूल है वो किसके बारे में कहा गया है, वो हमारा कहा गया है क्या बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया बेसिकली कि पावर शक्ति अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब उत्तरदायित्व ऑफ पंचायत, मतलब पंचायत का शक्तियां उसका उत्तरदायित्व या उसकी सत्ता जो है वो इसमें किसमें 11वीं अनुसूची में हमारे संविधान की दी गई है। तो हमने ये क्वेश्चन बताया कि चार आपको टॉपिक बताना है कि चार कौन कौन से सब्जेक्ट, तो एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फूड प्रोसेसिंग ये सब इसके अंतर्गत आता है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, ड्रिंकिंग वाटर पानी उसके अंतर्गत आता है, रूरल हाइसिंग का जो काम होता है वो, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये चार चीज़ें हमारी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। क्लियर और बाकी और भी आती है, मैंने केवल यहाँ चार लिखी है। क्लियर हुआ यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। अब आते हैं हम 100 शब्द के, तो आते हैं हम 12वीं अनुसूची पे। ठीक है तो 12वीं अनुसूची पे चर्चा करें और इसमें कितने विषय हैं। तो ये हमारा 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है तो हमारा जो 74वां संविधान संशोधन है उसको 1992 में आया था, और उसमें किसकी 12वीं अनुसूची उसी के द्वारा हमारे संविधान में ऐड हो गई है, भाग 9A इसके तहत ऐड किया गया है। ये जो भाग है वो एंटाइटल है द म्यूनसिपैलिटीज एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन फ्रॉम अनुच्छेद 243 P से लेकर 243 ZZ तक, इसके बारे में उल्लेख मिलता है हमारे संविधान में। ठीक है और ये जो है ये 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया है जो आर्टिकल 243 W से डील करता है, इसमें 18 फंक मतलब 18 आइटम्स दिए गए हैं, तो हम कुछ मेंशन कर देंगे, इतना काफी होगा आपके आंसर में लिखने के लिए। जैसे कि अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, तो जो ग्रामीण क्षेत्र की प्लानिंग किसके हाथ में थी 11वीं अनुसूची में थी, वहीं अगर वो शहरी क्षेत्र की प्लानिंग आती है, रूरल हाउसिंग की बात आती है, टाउन प्लानिंग की बात आती है, तो वो हमारे 12वीं अनुसूची में जाएगा।
रोड एंड ब्रिजेस किसका काम है? ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन मतलब जो हमारे जो की झोपड़ियाँ होती हैं, जो स्लम एरियाज होते हैं, उनका इम्प्रूवमेंट करना, उनको अपग्रेड करना, ठीक है। फिर अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मतलब जो शहरी क्षेत्र में जो गरीबी है उसका उन्मूलन करना। पब्लिक हेल्थ तो लोक स्वास्थ्य, सैनिटेशन, कंसर्वेंसी, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आता है एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फिर आता है वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस, ठीक है। फिर प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो ये सब कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। क्लियर? ठीक है, अगले पे आते हैं हम। तो अब आते हैं हम 74वें संविधान मतलब दूसरे क्वेश्चन पे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 की विशेषता लिखिए। आपको इसकी विशेषताएं लिखनी है। तो ये भी कैसा 73वें संविधान संशोधन था जिसमें हमारे यहाँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मुद्दा रखा था कि आपको लोकतंत्र में कितना सा शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना है, उसके वजह से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए से लाया गया था। और यहाँ एक हम लोग जो पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट मतलब जो जनभागीदारी है, जनभागीदारी लोकतंत्र उसको भी सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है जो डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है वो ग्रास रूट मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर पे लाके रख दिया है, ठीक है। ग्रास रूट लेवल से इसमें स्टार्ट करते हैं। ग्राम सभा में तो ये फाउंडेशन है पंचायत या सिस्टम का। ग्राम सभा सबसे निचला स्तर ये होता है। और थ्री टीयर की बात करें कौन कौन से होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत होता दूसरा, तीसरा होता है हमारा जिला पंचायत। ये तीन स्तर हमारा सुनिश्चित करता है। फिर तो उसमें यह बात करी गई थी, ठीक है, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जो हमारा एमपी में मान्यता है हम उसकी बात एक बार कर लेते हैं। फिर आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात। तो एक्ट प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसके लिए, एससी और एसटी से। बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं जनपद ब्लॉक लेवल पे, बिल्कुल ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। तो एससी और एसटी के लिए तो उसने कहा गया है कि आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, साथ ही एक तरह रिजर्वेशन आपको महिलाओं को भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात इसमें रिजर्वेशन के बारे में बात करी गई है। और अब भाई अब शहरी अब ये सोचिए आप, अगर ये होगा तो इनके चुनाव होंगे, तो चुनाव पर भाई कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा। जैसे देश में हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग के जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाती है, तो ये कहा गया हमें एक राज्य की निर्वाचन आयोग की आवश्यकता होगी, जो ये हमारे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो स्थानीय निकाय जो निकाय की स्थापना की गई है उसके चुनाव करवा सके। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब गाइस हिंदी मीडियम वालों को कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है ना समझने में? सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से कि क्या मैं बता रही हूं? ठीक है, अब आते हैं इनएफेक्टिवनेस टू द स्टेट लोकायुक्त कि मतलब जो हमारा जो प्रभाव जो हमारा राज्य का जो लोकायुक्त होता है उस वो अप्रभावी क्यों है। ये 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले चीज तो ये जो हम अब लोकायुक्त की बात करते हैं, लोकपाल लोकायुक्त की, तो इसमें राज्य में लोकायुक्त की बात करी गई, लोकपाल की बात नहीं करी गई है। जो निकाय होता है ये पहले तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक विधिक संस्थान है ना कि एक संवैधानिक है, जिसके पास कोई भी जिसके पास संवैधानिक दर्जा नहीं है। और ये जो जो ये जो होता है लोकपाल हमारे यहाँ एज ए स्टेट गवर्नमेंट, आरपीजी स्टेट गवर्नमेंट करती है इसकी। तो जो फंक्शंस होता है ये ऑम्बड्समैन जो हमने कहाँ से लिया था, नाम भूल गई मैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना हमारी, स्वीडन से, स्वीडन से हमने इसे लिया गया था। और स्वीडन से हमने इसे लेके राज्य स्तर पर हम लोगों ने केंद्र के स्तर पर हमने लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे लोकपाल एंड स्टेट लेवल पे हमने लोकायुक्त की स्थापना की है, ठीक है। उसके बाद
ये कहा गया कि भाई अपने हमें यहाँ ये बताना है कि आप प्रभावी क्यों हैं, क्योंकि जो इसमें लूपोल्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, उन्हें हमें पहले मीट करना पड़ेगा कि भाई जो लोग होते हैं जो लोकपाल में लूपोल्स निकाल के अपने आप को बचा लेते हैं। पहली चीज तो ये, फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब जैसे कि 16 मतलब हमारे अभी तक 16 राज्यों ने इसकी स्थापना करी लेकिन बाकी राज्य अभी भी बचे हुए हैं, केवल 16 राज्यों में लोकपाल पाए गए और हर जगह लोकपाल का जो सिस्टम है वो अलग है। तो एक ये लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब पूरे देश पे एक साथ लागू नहीं हुआ है, हर राज्य में लागू नहीं हुआ है, ठीक है। फिर तीसरी चीज ये है कि राजनीतिक जो इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये फ्री नहीं है, मतलब राजनीतिक राजनीति के तौर पर ये इन्फ्लुएंस होता ही होता है, ठीक है। क्योंकि जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है इसकी, अगर आपको ये नहीं लग रहा है कि मैम ने बहुत डिटेल में नहीं बताया, तो मेरी लोकपाल और लोकायत की क्लास देख लीजिएगा, वहां मैंने ये सब चीजें कर लेंगी। ओल्ड पेपर है और प्लस नए क्वेश्चन है, हमें भारती जी हम जब तक ये नहीं समझ में पाएंगे कि हमें कैसे क्वेश्चन से डील करना, तो हम 20 की तैयारी कैसे कर पाएंगे या 19 की तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो हमें क्वेश्चन का लॉजिक ही नहीं पता होगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। फिर 2017 में पूछा गया था, तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कोई बचा नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपॉइंटमेंट करते हैं लोकायुक्त की, वो सरकार की कमेटी होती है, जो सरकार हमारी पॉलिटिकल पार्टी से होती ही होती है, ठीक है। और इनका कोई यह इनकी कोई इम्यूनिटी नहीं है, मतलब जो विजिल ब्लोवर्स होते हैं जो इनको शिकायत करते हैं बताते हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, उनके लिए कोई भी वो नहीं हो, जो आया भी है तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है, और इन्हें कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, तो ये सबसे बड़े लूपहोल है इस, ठीक है। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त मस्ट बी फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड लीगली इंडिपेंडेंट एंड शुड बी स्टैंड इन बोथ इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर। संध्या जी मैंने क्वेश्चन लिख के आंसर्स लिखे हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं लेट्स के कैंप एग्जाम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको ये सारे मतलब 15 क्लासेस हो गई हैं ऑलरेडी, मैंने 6 डाल दिए हैं, बाकी जो है वो मैं आज डाल दूंगी, ठीक है। तो ये पूरी क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएंगी, मतलब पूरे इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, और बाकी मेरी यूनिट 4 की पीडीएफ मेरी वर्किंग में है, जो मैंने कल एक कॉटी लेके डाल दी थी, बाकी मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी, और यूनिट 5 की भी पीडीएफ पर डाल दूंगी। जो लोग प्लस वाले हैं, मैं बहुत जल्द आप सभी को प्लस की पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। एंड संध्या जी चिंता मत करिए, मैं हमेशा आपको कुछ भी पढ़ाऊँ मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाती हूँ आपको, ताकि अगर स्लाइड्स में कुछ छूट जाए तो नोट्स से मिल जाए, नोट्स में कुछ छूट जाए तो आपको स्लाइड से मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पैसा अधिनियम के उद्देश्य लिखिए, तो आपको उद्देश्य लिखने थे, तो पार्लियामेंट इज इनेक्टेड द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 नोन एज पैसा एक्ट। संध्या जी केवल आंसर राइटिंग मेरी बायलिंगल नहीं हो पाती है, बाकी जो दूसरी चीज़ें वो आपको बायलिंगल मिलेंगी। अगर आपने पहले भी मेरी क्लासेस अटेंड करी गई हैं तो मैंने सब कुछ बायलिंगल ही प्रोवाइड करवाया है, केवल ये क्लासेस आपको बायलिंगल नहीं मिल पाएंगी। बट मैं इतना कहूंगी कि इतना अंडरस्टूड तो होगा कि आपको कंसेप्ट तो मिल ही रहा होगा कि कंसेप्ट क्या कहना चाहता है ना, इतना आइडिया तो आपको लग ही रहा होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो बात करती हूँ मैं इसमें पैसा अधिनियम के उद्देश्य की, जो पार्लियामेंट है वो इनेक्ट करता है प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। तो आपको मैं बता दूँ, पैसा हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि एमपी में भी लागू होता है, और एमपी में लागू होता है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पैसा अधिनियम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया है कि इसकी क्या क्या वो है, प्रावधान क्या क्या है। तो ये प्रोविजन जो है, जो हमारे भाग 9 है, भाग 9 में जो पंचायती राज है उसी के पावर को और ज़्यादा बढ़ाता है, रिलेटिंग टू पंचायत शेड्यूल एरिया विद अ सर्टेन मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ ये यहाँ लागू करता है। इसके कुछ उद्देश्य और भी हैं कि सेल्फ रूल, मतलब जो ट्राइबल एरियाज होंगे जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ हमारे अनुसूचित जनजाति रहते हैं, तो उनकी जो पॉपुलेशन है उस जनता को सेल्फ रूल करने का एक मौका मिल जाता है, मतलब वो माइनर फर्स्ट प्रोड्यूस को अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, क्लियर। उसके बाद उसके बाद क्या था, टू हैव विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड टू मेक द ग्राम सभा ए न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज। और ये कहा गया है कि जो शासन है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, फिर वो जन भागीदारी लोकतंत्र के रूप में बदल जाए,
वो मतलब जनता भागीदारी की, तो जन भागीदारी होगी, वो लोकतंत्र के मायने तभी सही समझ में आते भी हैं। साथ ही जो ग्राम सभा होती है वो जितनी भी एक्टिविटी होती है उसका न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस को नाप के बोलते हैं ना, तो न्यूक्लियस होती है वो किसी भी एक्टिविटीज का, किसी भी क्षेत्र में होती है, तो ग्राम सभा जो होती है उसका न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस कहलाती है। क्योंकि ग्राम सभा में कौन व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति अपना मत देने के लिए योग्य हो जाते हैं वो सभी ग्राम सभा कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ ये बताइए। ठीक है, उसके बाद आता है टू इवॉल्व सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंसिडर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो अब पेशा में ये कहा गया है कि हम लोग प्रशासन करेंगे, लेकिन वहां तक जो उनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जो वो यूज करते हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनके कल्चर हैं, उनके कंसिस्टेंस हो के हम अपनी प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं वहां उस क्षेत्र में करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है इसके लिए। उसके बाद एम्पावर करना पंचायत को एट द एप्रोप्रिएट लेवल, और पंचायत को कहाँ लेना, एप्रोप्रिएट लेवल पे एट द विद द स्पेसिफिक पावर जो कि उनकी कंड्यूसिव, मतलब जो उनके कार्य के लिए कंड्यूसिव है, और वो अपने जो ट्राइबल जो लोग हैं, जो हमारी जनजाति है, वो अपना कार्य सही अच्छे से कर सके। ठीक है, क्लियर हुआ? नमस्ते तन्मय जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद अगला आता है बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश लिखिए। तो आपको यहाँ बलवंत राय मेहता की सिफारिश रखनी थी, तो कहाँ कब आई थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सचेंज सर्विस के लिए, कि उनकी वर्किंग किस तरह से और अच्छी बना पाए, इसलिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ था। और उसने फिर से स्थानीय निकाय जो हमारा होता है उसके गठन के बारे में बोल दिया। ठीक है, उसके बारे में इसने यहाँ बोल दिया था। तो उसके बाद उसने क्या तीन स्तरीय त्रिस्तरीय, जैसे कि हमारी भारती जी ने कहा था कि त्रिस्तरीय की बात कही थी कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला जिला पंचायत की बात इसने करी थी, त्रिस्तरीय की बात कही थी। जय हिंद तन्मय जी। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो कि डायरेक्टली, मतलब इसमें विलेज में क्या होगा, ग्राम सभा के द्वारा जो मुखिया होगा वो डायरेक्टली इलेक्ट करेगा। फिर पंचायत समिति होती है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जिला परिषद की, जो कि उन्हें एडवाइस करती है, कोऑर्डिनेट करती है और सुपरवाइजरी बॉडी होती है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि चेयरमैन होगा किसका, हमारी जिला परिषद का। और अगला आता है कि ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एक्टिविटी शुड बी एंट्रस्टेड टू दिस बॉडी। तो फिर जितनी भी हमारी प्लानिंग करनी होगी, योजनाएं बनानी होंगी, विकास करना हो, कुछ भी प्रक्रिया करनी होगी, तो ये जो हमारी जिला पंचायत की प्लानिंग बोर्ड होता है वो ये सब काम करती है। और ये सिस्टम है वो कितना डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यूचर, तो मतलब क्या होता है, जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, बेसिकली इसका वही मुद्दा है। क्लियर? क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो सरकारी संघवाद समस्याओं और संभावनाओं पर चर्चा करें। ठीक है, तो फेडरेशन मतलब संघवाद के बारे में बात करें, तो आपको पता है कि हमारा देश जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन हमारे यहाँ फेडरेशन है सब है, लेकिन हमारा कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है ना, हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, और हमारे यहाँ किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है या शक्ति नहीं है, तो ये तो आपको पता ही होगी। हाय भारवत जी, भारवत जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट है किसकी, फेडरेशन क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है दो गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, एक पावर, एक तो पावर और दूसरा कंट्रोल, नियंत्रण करने के बेस पे एक वो होता है। तो हमारा जो इंडिया वो यूनियन ऑफ इंडिया है, मतलब एक संघ है जो कि किसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं बना है। तो सहकारी संघवाद, उसको हमें ये पूछा गया कि जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म है हमारी और जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म है उसके बारे में क्या समस्या है, मैंने वो बताना था। तो इंडिया को आपने पता होगा, इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर को अपना है, मतलब अर्ध संघवाद का जो संरचना है उसे कंट्रोल या उसे एक्सेप्ट किया है। तो ये फेडरल इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही जो फेडरल वर्ड है वो कहीं भी हमारे संविधान में यूज नहीं हुआ, बल्कि क्या यूज हुआ है, आर्टिकल 1 में, यूनियन ऑफ इंडिया।
सॉरी, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारा आर्टिकल 1 में लिखा गया है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये हमारे यहाँ कहीं भी फेडरल वर्ड का यूज नहीं किया गया हमारे संविधान में, केवल और केवल यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। साथ ही फेडरल होता है स्ट्रक्चर में, मतलब ऐसा नहीं है एकात्म नहीं होते बल्कि संघात्मक होती है। ये कैसे होता है कि कुछ जो शक्तियां जो पावर्स हैं वो कई दो राज्य के बीच में बांट दी जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं कंट्रोल करने के लिए भी कहीं कहीं ऐसे प्राधान्य हमारे संविधान में दिए गए हैं जिसमें वो एकात्म ढांचे को भी सुनिश्चित करता है, यूनिटरी फीचर्स को भी, वो कहीं जगह ये होता है ये हमारे फेडरेशन या फेडरल फीचर्स को भी दिखाता है। तो ये दोनों का मिक्सचर है हमारा जो इंडिया है वो किस किस का, यूनिटरी और फेडरल का, क्योंकि जहाँ जरूरत होती है वो हमारा देश फेडरल है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि देश पे कोई संकट आ गया, कोई आपात आ गया, तो उस चीज़ के लिए हमारे फेडरल फीचर यूनिटरी फीचर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनकी जो पावर्स होती है वो चेंजेस उसमें होते थे। इससे हमारा जो संविधान है वो जो रिलेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा डायनामिज्म देखने को मिलता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ? कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें, जब केंद्र और राज्य मिलजुल के जनहित में, ठीक है, जनहित में कार्य करते हैं, तो जनहित में जब वो कार्य करते हैं तो उनका जो संबंध होता है उसे हम कॉपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, कि एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, वो जनहित में हमारे देश का विकास करते हैं और कार्य करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? और फिर कॉम्पिटिटिव क्या होता है, जब एक राज्य दूसरे राज्य से, ठीक है, एक राज्य दूसरे राज्य जो केंद्र राज्य सरकार होती है उसमें जो वर्टिकल, मान लीजिए एक राज्य उसका कॉम्पिटिशन दूसरे राज्य से, तो ये जो राज्य के बीच जो कॉम्पिटिशन उसे हम कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म के बारे में जानते हैं। तो हमेशा केंद्र और राज्य के बीच में ये कहा जाता है कि कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म काम करता है, संघात्मक सहकारी संघवाद करता है, क्योंकि हमें वहां समन्वय स्थापित करना है केंद्र और राज्य के बीच में, एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप जो जनहित में कार्य कर सके, पब्लिक वेलफेयर जन कल्याण के लिए कार्य कर सके। साथ ही कॉम्पिटिशन जो होता है फेडरलिज्म वो हमारा क्या प्रतिस्पर्धात्मक जो संघवाद होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, वो हमारा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर हुआ? इसके कुछ चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। तो ट्रस्ट डेफिसिट एंड श्रिंकेज ऑफ डिविजिबल पूल प्ले कर सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, मतलब दूसरों में विश्वास की कमी, ठीक है, और जो जो टैक्सेस को डिवाइड करते हैं उसमें कमी होना, तो ये जो होता है हमारे कई दो राष्ट्रीय संबंध को खट्टा कर देता है, मतलब जो मधुर संबंध होता है उसे खट्टा कर देता है, ये विश्वास का जो होता है कमी जो पाई जाती है, ठीक है। उसके साथ एलोकेशन टुवर्ड्स वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स टू स्टेट हैज कम डाउन अफेक्टिंग द स्टेट्स हेल्थ इन टर्न, ठीक है। तो क्या होता है कि एलोकेशन टुवर्ड्स, तो क्या होता है कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा हेल्थ है वो एक जो सब्जेक्ट है वो एक कंकरेंट लिस्ट में, तो केंद्र भी उस पे, ठीक है, केंद्र भी उस पे लगा सकता है। गाइस मुझे बुला दे, मैं क्या बोलती हूँ, ठीक है, फाइन। तो जैसे केंद्र भी उस पे नियम वो विधि बना सकता है, उसी के लिए प्लानिंग हमारा राज्य भी कर सकता है स्वास्थ्य लेके, लेकिन क्या होता है कई बार ऐसे जो जो सामाजिक कल्याण का लिए कुछ स्कीम्स होती हैं जो हमारा केंद्र बोलता है राज्यों को करने के लिए, तो उसमें कई बार ये देखा जाता है जो राज्य अपनी स्कीम चलाता है ना उसमें कुछ 19-20 का मतलब अंतर देखने को मिलता है, या फिर ये होता है कि उनकी स्कीम पे, राज्य की कोई भी नीति पे बहुत ज़्यादा, स्कीम पे बहुत ज़्यादा, योजना पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है, ठीक है। गुड एंड सर्विस टैक्स, भरवत जी, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स कहलाता है वो। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है रेवेन्यू लॉस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी सिस्टम वीकनिंग द कॉपरेटिव फेडरलिज्म। और फिर ये हुआ है कि जीएसटी आया तो क्या हुआ कि कॉपरेटिव फेडरलिज्म में जो टैक्सेस मिलते थे, अब जो होता है हमारा जो राज्य उन्हें टैक्सेस कम मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनएफेक्टिव इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल का जो फंक्शन है, जो हमारे संविधान में दिया गया, एक संवैधानिक निकाय है जिसमें हमारे सीएम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी सही ढंग से काम नहीं कर पाते। अगर वो सही ढंग से काम नहीं करेंगी तो केंद्र राज्य या राज्य राज्य के बीच में क्या हम सही मायने में समन्वय स्थापित कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, उन्हें एक दूसरे से बराबरी पर खड़े कर पाएंगे, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। ये कुछ चैलेंजेस है देखने पड़ते हैं। मिस यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल बाय पॉलिटिकल पार्टी सबवर्ट स्टेट गवर्नमेंट। और ये भी सही बात है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट को
राष्ट्रपति शासन लगाने की कई बार सिफारिश करती है, जो कई बार मिसयूज होता है हमारी शक्तियों का, उसकी सकारात्मक शक्तियों का मिसयूज करके ऐसा कुछ कर देती है कि मान लीजिए कोई बात नहीं मान रहा तो वो राष्ट्रपति शासन के वो दे बोल दे सिफारिश कर दी कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो इससे पता है क्या होता है कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है स्टेट्स की उस पर हैम्पर करता है। फिर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा है और फिर सब कुछ ठीक नहीं हुआ, चुनाव होंगे तो फिर एक्स्ट्रा मनी लगी, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन फाइनेंस कमीशन, तो अंडर रिप्रेजेंटेशन मतलब जो फाइनेंस कमीशन आती है, जो वित्त आयोग आती है, जो स्टार्टिंग बताया था वित्त आयोग का काम क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में टैक्सेस को बांटना, तो उसका अभी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो केंद्रीकरण होता है शक्तियों का किसका, केंद्र सरकार के द्वारा। क्लियर। गुड आफ्टरनून रमेश जी। इंडिया में लागू नहीं होता भारत जी, वो राज्यों में लागू होता है। इंडिया में नहीं, केवल राज्यों में लागू होता है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। तो प्लानिंग कमीशन के बाद हमारे यहाँ क्या आया, नीति आयोग है। और नीति आयोग जो था वो कंसंट्रेट करता है ब्रॉडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब वो जो अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसे बढ़ा देता है और क्या करता है, ये एलोकेट करता है फंक्शन इसको किसी किसी स्टेप में, ताकि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है, वो और अच्छे हो जाए। साथ ही जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसका रीएक्टिवेशन, मतलब उसे सही ढंग से कार्य करना। साथ ही उनका इशू लाइक इंटरनेशनल ट्रीटीज, मतलब क्या मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि उसे करवाना है, तो फिर उसमें क्या होता है, एकात्म ढांचा हो जाता है हमारा केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार कहती है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज है तो जिस राज्य में चाहे वो वहाँ लागू करवा सकती है। WTO की कुछ ऑब्लिगेशन होती है, वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, मस्ट बी इवॉल्व वेयर इंपॉर्टेंट डिसीजन एप्रोप्रिएटली डिस्कस विद इन स्टेट। तो ये कहा गया फिर इसके लिए कि हमें ऐसी संस्थान या ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ की हमारे जो राज्य हैं, एक या एक से अधिक राज्य, वो आपस में अपनी जो प्रॉब्लम्स हो हर चीज़ को डिस्कस करें, ताकि अच्छी तरीके से केंद्र राज्य और राज्य राज्य के बीच में सही समन्वय स्थापित किया जा सके, ठीक है। फिर बात करते हैं स्ट्रांग स्टेट की। स्ट्रांग तो हमारा क्या है कि जो जो राष्ट्र है उसे स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। उसके साथ क्या है कि टीम इंडिया अप्रोच लाइक नीति आयोग इसी के लिए, ठीक है। अगर आपको ये टीम इंडिया ये सब के बारे में पढ़ना है तो मेरा नीति आयोग वाला लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। फिर सेंटर फंड एलोकेशन टू स्टेट मस्ट बी डन मोर जुडिशियली, जो सेंटर्स की जो फंड एलोकेशन होती है स्टेट की, वो बहुत अच्छे से देख के, मतलब जुडिशियली मतलब न्यायता के साथ वो होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? क्लियर हुआ? कोई डाउट गाइस यहाँ तक किसी को? ठीक है, फिर बात करते हैं 3B। स्थानीय सुशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में प्रतिसत्तात्मक चरित्र पर सीमित प्रभाव डालता था। ये UPSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होगा कि हमारे चाहे 73वां संविधान संशोधन आया हो चाहे 74वां आया हो, एक तिहाई महिलाओं के आरक्षण की बात उसमें कही गई है कि एक तिहाई जो महिलाएं हैं वो आरक्षण आप उन्हें देना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, मतलब इसमें आप आना का ही नहीं कर, आपको ये चीज़ देनी है तो देनी ही है। और फिर जो होगा वहाँ जो चेयरमैन जो अलग अलग पोस्ट होंगे उसमें भी रोटेशन वाइज रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो रिजर्वेशन SC ST के लिए दिया जाएगा उसमें भी महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण दिए जाएंगे, ऐसी बात हमारे यहाँ दी गई है। तो देर 13.72 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन पंचायत इंस्टीट्यूशन विच कॉन्ट 42.2% ऑफ टोटल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन December 2017। तो 2017 के आंकड़ों के अनुसार 13,72,000 महिलाएं हमारी जो है वो आज पंचायत राज में, जो हमारा पंचायत राज PRI से, उसमें इलेक्टेड है, जो कि 44.2% होता है। कब तक? December 2017 तक के आंकड़े देखे गए हैं। क्लियर। और फिर आपने इसके साथ
जो रिजर्वेशन होता है वो बेनिफिट होता है वुमेन के लिए, ताकि वो घर से बाहर निकले, ठीक है। जो फीमेल्स के अगेंस्ट जो प्रिजुडिसेस आते हैं उन सबको ओवरकम कर सके, फीमेल लीडर भी उभर के सामने आए, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि फीमेल बॉर्न लीडर्स होती हैं इसलिए, और वो भी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये अधिकार देने के लिए 73वां और 74वां संविधान में रिजर्वेशन की बात करी गई थी। लेकिन इससे ये भी समझ में आया कि इतना सब सरकार को करने के बाद भी, ठीक है, जो हमारे प्रसत्तात्मक जो कैरेक्टर है हमारे समाज का, उस पर बहुत ही कम असर पड़ा। जो आपने सुना होगा पार्षद पति का कंसेप्ट, वो आज भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें भी देखने को मिली है। जैसे कि निर्वाचित महिला होती हैं, वो वर्क करते किसके अंतर्गत, डमी कैंडिडेट के अंतर्गत, फॉर द मेल मेंबर ऑफ देयर फैमिली। तो डमी वीमेन्स के अंतर्गत ये काम करती है कि मेल मेंबर जो होता है फैमिली का, केवल वो चुनाव नहीं लड़ता, इसलिए फीमेल को लड़ाते, लेकिन उसे उसके कोई अधिकार नहीं देते। सारे काम हमारे जो पुरुष होते हैं वो करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है। तो ये कहा जाता है कि ये देखने को मिला है कि भले ही हमने कितना रिजर्वेशन दे दिया हो, ठीक है, दोनों में ही महिलाओं को जो है डमी कैंडिडेट यूज किया जाता है। बिल्कुल 73वें और 74 दोनों में ही कहा गया अर्पित जी, ये प्रावधान दोनों में ही है। 73वां और 74वां संविधान की क्लास देख लीजिएगा गाइस, सब चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद दे ऑल्सो वर्क एज प्रॉक्सीज फॉर द रूरल एलिट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग देयर ऑटोनॉमी। फिर वही होता है कि वर्क ऑल्सो फॉर प्रॉक्सीज, मतलब केवल केवल एक प्रॉक्सी या फिर जो कहते हैं ना किसी, वही डमी वाली जो बात है कि जो इलीट्स होते हैं हमारे समाज में, कोई इलीट्स हैं और उनकी महिला नहीं, तो किसी को उनने अपने नाम पे, कोई बहुत अमीर व्यक्ति कहते हैं आप खड़े हो जाओ, काम वो करते हैं, पैसा वो कमाते हैं और नाम किसी और का होता है। तो ये अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए और उनकी ऑटोनॉमी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी प्रॉक्सीज रूरल इलीट्स ये काम भी करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। बर्डन ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सिस्टम इफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। और फिर कहीं कहीं होती भी है तो आपको पता है गांव में होता है इतना बड़ा बड़ा घूंघट होता है, पर सिस्टम जैसी चीजें भी बहुत ज्यादा मेंटल स्टेटस पे साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अगला आता है द वीमेन फ्रॉम एसटी एंड एससी कैटेगरी हैव टू फेस डबल बर्डन ऑफ कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू विच दे आर पुश्ड आउटसाइड द मेनस्ट्रीम इंडियन पॉलिटिक्स। जो वीमेन होती है एससी या एससी की कैटेगरी की, वो डबल बर्डन कास्ट का बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है उन्हें, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत हद तक फेस करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि वो पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर ही कर लेती है। क्योंकि आपको पता है कि भेदभाव तो वैसे ही होता है एससी एसटी के साथ, और ऊपर से वो फिर कास्ट हमारे जातिवाद बहुत ज्यादा विख्यात है, तो जातिवाद के कारण भी ये सब चीजें देखने को मिलती हैं कि जो वीमेन्स होती है वो बाहर आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम सच एज महिला सशक्तिकरण अभियान शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर्स एंड स्पिरिट। तो ये कहा गया है कि जैसे महिला सशक्तिकरण अभियान, इस तरह के प्रोग्राम हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं वो आगे आ सकें, जागरूक कर सकें और अपने आप में चेतना जगा सकें और अपने काम मतलब अपने आप को भी सक्षम कर सकें, क्लियर। नमस्ते भूप नारायण शर्मा जी, क्लियर हुआ यहाँ तक। और संविधान के अनुच्छेद 243 डी आर्टिकल 243 डी में कैन बी अमेंडेड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वीमेन इन पंचायत। और वहां ये भी लिखा गया है, आप ये सोचिए, वहां उन्हें ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आपको लगता है कि 33% कम है, तो अनुच्छेद 243 डी में कहा गया था कि राज्य सरकार चाहे तो अपने स्वविवेक से, राज्य सरकार चाहे तो अपने स्वविवेक से क्या कर सकती है, जो अनुच्छेद मतलब और ज्यादा रिजर्वेशन भी दे सकती है महिलाओं को। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में 50% सीट जो है वो स्थानीय निकाय, मतलब 73वें 74वें संविधान में केवल 33% की बात की गई। हाँ गाइस, आपको एक चीज और बता दूं इस सब चीजों में कि जो मैं बात करूँ, जब आपको संवैधानिक की बात आए ना, तो हमेशा एक तिहाई लिखे, कहीं ये लिखा है कि संविधान में या 73वें और 74वें संविधान संशोधन में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया है, तो आप हमेशा एक तिहाई ही लिखेंगे या 33% ही लिखेंगे। और रही बात जो 50% की है, उसमें ये लिखा गया था कि ये हमारे राज्य सरकार की विवेकाधीन या डिस्क्रिमिनेशनरी पावर होगी या शक्ति होगी, जिसके कारण वो चाहे तो जो 33% का जो आंकड़ा है उसे बढ़ा सकता है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने वो आंकड़ा 50% कर दिया है। तो संविधान में केवल एक तिहाई, लेकिन मध्य प्रदेश में अपनी स्वविवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने उसे 50% कर दिया। संविधान में केवल 33% एक तिहाई का ही मेंशन है, क्लियर। हेलो पंकज जी, हेलो अमर जी,
पंकज कुमार जी, आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी क्योंकि ऑलरेडी क्लास एंड ही होने वाली है। तो गाइस यहाँ ना सबको सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, और फिर आखिरी पॉइंट पे आते हैं, इनोवेटिव लाइक महिला ग्राम सभा आर ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज टू बी फोकस्ड ऑन विमेन स्पेसिफिक इशू। तो ये कहा गया कि महिला ग्राम सभा जैसे जो इनिशिएटिव है ऐसा हमें अपने देश में लाना चाहिए या क्षेत्र में लाना चाहिए, ताकि जो विमेन, जो महिलाओं से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो उनका समाधान कर सके। ठीक है, और ये जो होती है ये हेल्प करेंगी, ये कुछ हमारे जो थे जो कि जो प्रतीकात्मक समाज की जो सोचे उसे बदलने में सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, तो गाइस मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस रहती हैं, कल हम लोगों का एमपी टीईटी का मेगा क्विज रहेगा, रात में 9 बजे हमारी स्पेशल क्लास ऐप पे हमारी क्लास रहेगी एमसीक्यूज की, फिर हमारा जो होता है 3 बजे आंसर राइटिंग, तो इसकी ये आज आखिरी क्लास है। अब 3 बजे मैं आप सभी के लिए कुछ और लाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी 15 क्लासेस आपको करवाई हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी क्योंकि इसके बाद आंसर राइटिंग की क्लासेस बंद हो रही है मेरी। साथ ही 1 बजे पॉलिटी में मैंने अभी यूनिट 5 चालू किया है, 4 ही क्लास हुई है, नहीं देखी तो अब तक देख लीजिएगा, और आपने लेट्स के कैंपेन एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप चाहें तो वहां मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो गाइस आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि फाउंडेशन कोर्स फॉर एमपीपीएससी प्री एंड मेंस आने वाला है जो कि हमारा कल से चालू हो रहा है, जो प्री मेंस और इंटरव्यू इन तीनों में ये रहेगा। तो हम लोग प्री कम मतलब आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की ही तैयारी ही यहाँ करवाएंगे। ठीक है, तो पेपर जो मेंस का होता है जैसे पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वाटर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब आता है, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्योरिटी इशू, सोशल लेजिस्लेशन, सोशल सेक्टर ये सब हमारा पेपर 2 में आता है। पेपर 3 में क्या आता है मेन्स के, साइंस एंड टेक, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, टेक्नोलॉजी, और पेपर 4 में आता है ह्यूमन नीड एंड मोटिवेशन, फिलोसफर, एटीट्यूड, एसेट। ठीक है, एंड इसमें आपको कौन पढ़ेगा, तो शुभम सर आपको यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पवन सर आपको पॉलिटी, वहीं राजू मैम आपको एमपी जीके करवाएंगी, मैं आपको इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट पढ़ाऊंगी, जो मैं अभिषेक सर है वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, वहीं नीरज सर आपको एथिक्स भी पढ़ाएंगे, एंड शिवम सर आपको यहाँ हिस्ट्री पढ़ाएंगे, एंड विकास सर आपको साइंस एंड टेक की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं आप, यहाँ जाएंगे आप एमपीपीसी व्यापम पे जाइए, ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, एंड बता दो सर गाइस मंडे से प्राइस राइज हो रहा है, लेना हो तो ले लीजिए वरना आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो 1 साल की जो कीमत है वो है 7,000 रुपये, लेकिन वहाँ पर भी आप मेरा कोड लगाते हो जो कि वैशाली VAISHL है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, एंड वो पड़ता है आपको मात्र 6,300 रुपये का। वहीं मैं 24 महीने की बात करूँ तो उसकी कीमत है 8,400 रुपये, लेकिन वहाँ पर भी आप मेरा कोड लगाते हो जो कि वैशाली VAISHL है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, एंड वो आपको पड़ता है 7,560 रुपये का। आप अटेंड कैसे कर सकते हैं, तो मेरा कोड क्या है वैशाली, तो लगाना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। तो आप एनरोल कर सकते हैं बैचेस में, फिर वहां जाके एनरोल कर लीजिए बैचेस में, यहाँ से आप क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप क्विज पोज के थ्रू अपने आंसर्स को दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साथ ही डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, वीकली क्विज एंड मेगा क्विजेस होते हैं आपके लिए, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को देखा जा सके। गाइस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मंडे से प्राइस हाइक हो रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको बता दूं जो एक साल का वाला है जो आपको अभी 6,300 में मिल रहा है, उसकी कीमत बढ़ के होने वाली है 8,800 का पड़ेगा, वहीं जो आपको अभी 8,400 का पड़ता है वो आपको पड़ेगा 12,800 का, लेकिन वहां आप मेरा कोड लगाएंगे तो जो है कि वैशाली VAISHL, तो 10% के डिस्काउंट के बाद ये पड़ जाएगा आपको 1,720 के आसपास का पड़ेगा ये आपको, और वहीं आपको पड़ेगा 11,520 के आसपास का, इस तरह के कुछ अमाउंट आपको ये पड़ेंगे। तो गाइस ले लीजिए वरना आपको महंगा पड़ जाएगा। तो थैंक यू गाइस, अब हम आपको मंडे को मिलूंगी मैं 1 बजे पॉलिटी के साथ आंसर राइटिंग क्लास में। आज यहाँ वाइंड अप कर रही हूँ अपनी सारी, एंड नया कोर्स मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊंगी, मेरा अभी यूनिट 2 भी आने वाला है एथिक्स का, जो मैं प्लस पे पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ कल हमारी एमपीटीईटी का क्लास रहेगी एमसीक्यूज की, सो प्लीज अटेंड करना नहीं भूलिएगा 2 बजे से, एंड संडे के दिन हम एमपी की क्लास करेंगे, मतलब एमपी के एमसीक्यूज करेंगे स्पेशल मैन अकेडमी ऐप पे, तो वहां आना नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे, बाय, कोई डाउट तो बता दीजिएगा, एंड लेट्स के कैंपेन एग्जाम को मत भूलिएगा ज्वाइन करना, वहां आपको कोई डाउट तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।